सोमवार के लिए एक धाकड़ शेयर लेकर आया हूं फ्रेंड्स, जो कि आपको ये शेयर पे जबरदस्त इंट्राडे कमाई हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला, सोमवार को ये शेयर में आपको 20% तक भी अपर सर्किट लग सकता है ये शेयर के ऊपर। ओनली इंट्राडे बेस की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये शेयर कौन सा है, कौन सा फील्ड में काम करते हैं, सब ये वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, यूट्यूब चैनल को स्मार्ट सरा टेक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला घंटी आइकन को ऑन कीजिए, जैसे कि आप लोग को मेरा कोई भी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। और वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगता है तो एक लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब आपका दोस्त सर्कल में उसको शेयर करते रहिए। और अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल को जुड़े नहीं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बहुत ही सारा इधर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल प्रोवाइड किया जाता है। और आप लोग चाहते हो हमारा सपोर्ट ग्रुप में जुड़कर काम करने के लिए, तो आप एंजल ब्रोकिंग अलायंस ब्लू में अगर डिमाट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है, कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। और ये है एंजल अलायंस ब्लू का अकाउंट ओपनिंग का लिंक, और ये है ज़ीरोधा का लिंक, एंड ये है अलायंस ब्लू का लिंक। इसमें से कोई भी लिंक यूज करके आप अकाउंट ओपन करते हो, मैं मेरा सपोर्ट ग्रुप में जुड़ देता हूँ, जिधर कि आप लोग पर डे बेसिस पे इंट्राडे कॉल, बीटीएसटी कॉल, पोजिशनल कॉल और एब्सोल्युटली आपको फ्री मिलता है। और लॉन्ग टर्म बेसिस भी कॉल हम प्रोवाइड करते रहते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन कॉल भी प्रोवाइड करते रहते हैं, वो भी आपको ये चैनल में मिल ही जाएगा। चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक को। सबसे पहले मैं कंपनी का नाम बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को देखे होंगे कंपनी का नाम है यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, जो कि क्लोजिंग है 372 इधर शो कर रहा है। एंड देन हम लोग देखते हैं जो कि मंडे का दिन में, एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी फ्राइडे का दिन जो कि क्लोजिंग हुआ था, वो उस दिन 1% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है। अगर हम लोग फ्राइडे का चार्ट देखेंगे इसका, तो फाइव डे में वो 13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम लोग वन मंथ की रिटर्न देखेंगे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो 15% का रिटर्न दे चुका है। अगर सिक्स मंथ के हम लोग रिटर्न देखेंगे फ्रेंड्स, 42% का रिटर्न दे चुका है ये। और एयरटेल रेट का देखेंगे तो आपके सामने 100 पॉइंट का रिटर्न, जो कि 37% का रिटर्न दिया है ये कंपनी ने। तो ये कंपनी का क्या काम काज है, क्यों इसमें इतना बड़ा तेज़ी आएगा, इसका ऊपर हम चर्चा करने से पहले मैं आपको ये साइड में लेकर आया हूँ, जो कि कंपनी का काम है क्या ना, ऑयल ड्रिलिंग इक्विपमेंट ऊपर काम करता है कंपनी। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा कंपनी है 775 करोड़ का, और जो कि करंट प्राइस जो है 382.10 का हाई लगाकर ये शेयर आ चुका है। और स्टॉक पी 19.6 बहुत शानदार है, बुक वैल्यू भी बहुत शानदार, डिविडेंड यील्ड भी है, और ये सबसे बड़ी बात है ये फेस वैल्यू 10 रुपीज़ वाला कंपनी। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को जैसे बोला, कंपनी में अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो डेट फ्री कंपनी है, बहुत शानदार है। और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो आया बहुत ही शानदार आया है, उसके वजह से मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट जो आया 24 जुलाई को आया है, जो कि एस्टरडे को आया था, रिजल्ट बहुत शानदार है। चलिए रिजल्ट का ऊपर एक नज़र डाल ही देते हैं। तो सबसे पहले हम सेल पे एक नज़र डालेंगे, एक मिनट फ्रेंड्स, यस सेल पे नज़र डालने से पहले हम देखेंगे ये दिसंबर क्वार्टर, और ये मार्च 21 क्वार्टर, ये जून 21 क्वार्टर। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये दिसंबर क्वार्टर से और ये क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा नर्वस आ रहा है रिजल्ट। और मार्च क्वार्टर से एक जून क्वार्टर को रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स में थोड़ा सा गिरावट दिखा रहा है। तो इसमें कुछ काम बनता नहीं, हम लोग आगे देखेंगे कल सेल्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए, ये दिसंबर क्वार्टर, ये मार्च क्वार्टर, ये जून क्वार्टर, आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर से अभी जून क्वार्टर में शानदार पॉजिटिव रिटर्न, जो कि 63% का रिटर्न दे चुका है। अगर हम लोग जून क्वार्टर से लेकर और मार्च क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो इधर भी हम लोग देखेंगे जून क्वार्टर का 12% रिटर्न था, इधर 63% का रिटर्न दिया है ये कंपनी ने। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो शानदार तेज़ी दिख रहे हैं, जो कि आप इसका अंदर देख सकते हो, जो कि तीन क्वार्टर को अगर कंपेयर करके, फोर क्वार्टर कंपेयर करके, सबसे अच्छा क्वार्टर जो कि इधर आया है जून क्वार्टर।
ये तो हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि ईबिटा की बात करते हैं हम, तो इधर देखेंगे जो कि दिसंबर क्वार्टर में 14 का था, अभी ये 5 करोड़ का था जो मार्च क्वार्टर में, और जून क्वार्टर में जबरदस्त 19 करोड़ का ऊपर का इसका प्रॉफिट है। तो आप देखिए टैक्सेस वाइज देखेंगे तो आप देखेंगे परसेंटेज वाइज इधर आपका सामने, ये दिसंबर क्वार्टर 16% था और मार्च क्वार्टर 17% था और जून क्वार्टर 27% था। ये आप देख सकते हो कितना बड़ा उछाल दिया है जो कि जून क्वार्टर में। अब नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट में भी सेम टू सेम आंकड़ा 12 करोड़ था, ये 4 करोड़ था और ये 14 करोड़ था जो कि दिसंबर क्वार्टर से भी ज़्यादा और मार्च क्वार्टर से भी ज़्यादा रिटर्न प्रॉफिट दिखाया है ये कंपनी ने। अगर आप देखेंगे इधर परसेंटेज वाइज देख सकते हैं, ईपीएस की भी देखेंगे तो ईपीएस बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर ही रहा है। साथ ही साथ हम लोग और थोड़ा देख लेंगे नेट प्रॉफिट का, तो भी बात कर ही लिए हम लोग, थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी बहुत शानदार है, कोई भी इस कंपनी का कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। 74-75% का प्रमोटर होल्डिंग है, FII इसमें ना के बराबर है, पब्लिक इसमें 25% का होल्डिंग रखते हैं। तो ये सब को देखते हुए हम लोग चार्ट का ऊपर जाएंगे क्योंकि हमारा इंट्राडे का काम करना है, ना कि इधर हम लोग कुछ पोजिशनल देख रहे हैं। तो पोजिशनल अगर आपका पास है तो मैं बोलूँगा रखो, कोई इशू नहीं है। और RSI जो बोल रहा है 74 बहुत ही बुलिश है, जैसे कि मैं आप लोग को बोलता हूँ हमेशा 50 का ऊपर हम लोग बुलिश मानते हैं RSI को। MACD भी शानदार तरीके से ग्रो कर ही रहा है। और अभी हम देखेंगे जो कि ये एक मिनट फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन करूँगा, एक मैंने एक रेंज बना देता हूँ। ये रेंज आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये रेंज जो है एक महीने के रेंज को वो तोड़कर 3-4 दिन से अपसाइड भाग रहा है। ये रेंज कौन सा था, 320 था, 340 और 40 का अंदर ये एक महीना बिता दिया था। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो कि ये जो बड़ा कैंडल है, ये जो एक दिन का कैंडल रिप्रेजेंटेटिव करता है, ये जो बड़ा कैंडल है ये है 10 जून का, ये कैंडल है उसी दिन 1410 तक की ये तेज़ी दिखाया था, उसके बाद बहुत बड़ा करेक्शन आया। करेक्शन के साथ साथ अब भी हम लोग देख रहे हैं जो कि शेयर में 1-2-3-4 दिन में तेज़ी आ रहा है क्योंकि उसका रिजल्ट आ रहा था, क्वार्टरली रिजल्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे तो उसका पर एक नज़र डालता हूँ, मैं थोड़ा चार्ट को छोटा कर लेता हूँ। और इसका जो कि परसेंटेज अगर आप देखेंगे अपर सर्किट का 20% का अपर सर्किट पीरियड ऊपर है, लोअर सर्किट भी 20% रहेगा। तो फ्रेंड जो चार दिन का हिसाब से ये शेयर अभी भागते जा रहा है ऊपर की तरफ, ये जैसे 410 को अगर क्रॉस करता है, एक मिनट फ्रेंड्स, 410 है जो कि 10 जून का ये जो हाई था इसको अगर क्रॉस करेगा तो शेयर सीधा रॉकेट जैसा भाग जाएगा, 450 तक की भाग सकता है क्योंकि 451 जिसका अपर सर्किट 20% का आएगा। तो इसलिए आप ये शेयर को नज़र रखिए, कल के लिए शायद आप लोग को इधर बहुत ही बड़ा मुनाफा देकर ये शेयर जा सकता है। अगर आपका पास ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, बेहतर शेयर है, आप होल्ड करके रख सकते हो। और वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स बिना संकोच करते हुए एक लाइक दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल बेल का घंटे आइकन को ऑन करके रखिए यूट्यूब चैनल का। चलिए फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।